दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पीएससी एसएससी बैंक रेलवे व्यापम के लिए आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः 5 या 6 शब्द दिए होते हैं जो सभी आपस में किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। इन्हीं संबंधों के आधार पर दिए गए शब्दों को तार्किक अनुक्रम में सजाना होता है, अर्थात शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो सर्वमान्य मान्यताओं तथा प्रकृति के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हो को शब्दों का तार्किक क्रम कहते हैं। ये शब्द वास्तविकता एवं सत्यता पर आधारित होते हैं। दोस्तों शब्दों का तार्किक क्रम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले बढ़ते क्रम पर विचार करना चाहिए। मान लीजिए बढ़ते क्रम में दिए गए विकल्पों में से किसी में भी ऐसा कोई विकल्प नहीं है तो इस स्थिति में आपको घटते क्रम पर भी विचार करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ विशेष उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों और एक चीज़ बता दूँ, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स शब्दों का तार्किक क्रम एक बहुत छोटा अध्याय है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको दिए गए शब्दों को अपने लॉजिक के अनुसार जो सर्वमान्य हो, सत्य हो, सही क्रम हो, लॉजिक लगाते हुए उसको आपको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। बहुत छोटा अध्याय है दोस्तों, बहुत सरल अध्याय है और निश्चित रूप से आज के बाद, अगर आज आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा तो इसे ये मानकर चलिए कि आज के बाद कभी दोबारा इस अध्याय को आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आई गारंटेड। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। दोस्तों निम्नलिखित शब्दों को एक तर्क संगत रूप में क्रमबद्ध कीजिए। शब्द है दोस्तों धागा, दूसरा है कपड़ा, तीसरा सूट और चौथा है रुई। इसमें लॉजिक लगाते हुए दोस्तों आपको इसको एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। वह क्रम बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, घटते क्रम में भी हो सकता है। बढ़ते क्रम में जब देखेंगे दोस्तों और ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप घटते क्रम में भी इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही क्रम क्या होना चाहिए इस पर विचार करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे धागा, कपड़ा, सूट और रुई में सबसे पहले आना चाहिए रुई, अर्थात चौथा नंबर। फिर आना चाहिए दोस्तों धागा, फिर आना चाहिए कपड़ा, फिर सूट। ऐसा इसलिए दोस्तों कि पहले रुई से धागा तैयार होता है और पुनः धागा से कपड़ा और कपड़ा से सूट तैयार होता है, तो ये इसका सही क्रम होना चाहिए दोस्तों 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों 4, 1, 2, 3 कहाँ है, वो है ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। सबसे पहले आएगा रुई, फिर धागा, फिर कपड़ा और सूट। ये था दोस्तों इसका सही क्रम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का पहला इलाज, दूसरा डॉक्टर, निदान, चौथा रोगी, पांचवा है स्वास्थ्य लाभ। अब आपका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4, 5, ऑप्शन सी 4, 2, 1, 5, 3 और ऑप्शन डी 4, 2, 3, 1, 5। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें पांचवा नहीं लिखा हुआ है। तो अब आपको बी, सी और डी पर ही विचार करना है। तो चलिए दोस्तों इसका सही क्रम क्या होना चाहिए आप लोग इसको सोचिए, सही क्रम में जमाने की व्यवस्था कीजिए, सही क्रम में जमाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों सही क्रम आप लोगों ने सोच लिया होगा, चलते हैं सही क्रम की ओर। सबसे पहले आना चाहिए दोस्तों रोगी, रोगी फिर डॉक्टर, डॉक्टर के बाद आएगा दोस्तों निदान, निदान के बाद आया है इलाज और उसके बाद आना चाहिए स्वास्थ्य लाभ। दोस्तों पहले रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको निदान के लिए कुछ उपाय बताता है, उपाय बताने के बाद दोस्तों फिर उसका इलाज शुरू करता है और अंत में उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो 4, 2, 3, 1 इसका सही आंसर होना चाहिए 4, 2, 3, 1, 5। दोस्तों 4, 2, 3, 1, 5 ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है दूध, घास, लस्सी, गाय और दही। बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों, दैनिक बोलचाल में, दैनिक उपयोग में प्रतिदिन हम इस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, उपयोग में लाते हैं। इसका सही क्रम आप लोग निश्चित रूप से जमा लेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, 2, 4, 1, 5,
ऑप्शन बी 2 4 1 5 3, ऑप्शन सी है 4 1 5 3 2, और ऑप्शन डी है दोस्तों 3 5 2 1 4। इसका सही क्रम क्या होना चाहिए आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही क्रम होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आना चाहिए घास, घास फिर गाय, गाय के बाद दूध, दूध के बाद दही, और बाद में आना चाहिए लस्सी। दोस्तों पहले गाय घास खाती है तो घास पहले आना चाहिए, घास को खाने के बाद गाय दूध देती है, दूध से दही बनता है दोस्तों, और दही के बाद ही लस्सी बनता है। तो ये इसका सही क्रम होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले उदाहरण की ओर। तो इसका सही क्रम क्या था 2 4 1 5 3, हम इसको टिक लगा लेते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण दोस्तों, पहला अर्धवार्षिक, दूसरा मासिक, तीसरा वार्षिक, चौथा दैनिक, और पांचवा है पाक्षिक। ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 4 5 1 3 2, ऑप्शन दो ऑप्शन बी में है 2 1 3 4 5, ऑप्शन सी 5 4 3 2 1, और ऑप्शन डी है दोस्तों 3 1 2 5 4। अब इसको सही क्रम में जमाइए। तो यहाँ पर दिनों की संख्या पर आपको विचार करना है। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर बढ़ते क्रम में चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें होना चाहिए दैनिक, प्रतिदिन, दैनिक मतलब प्रतिदिन। फिर दोस्तों दैनिक के बाद पाक्षिक, एक पक्ष अर्थात 15 दिनों का होता है। दूसरा आएगा उसके बाद मासिक, मासिक मतलब 30 दिन 31 दिन 29 28 दिन का होता है दोस्तों। फिर आता है अर्धवार्षिक, 6 महीने का। फिर आता है दोस्तों वार्षिक अर्थात 1 वर्ष 12 महीने का। तो ये इसका सही क्रम होना चाहिए 4 5 2 1 3, 4 5 2 1 3 ऐसा ऑप्शन है दोस्तों। ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है कहीं पर, चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए गलत प्रिंट हो गया था दोस्तों। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 4 5 2 1 3, अर्थात सबसे पहले आएगा दैनिक, फिर पाक्षिक, फिर मासिक, अर्धवार्षिक, और उसके बाद वार्षिक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है जो शब्द दिया हुआ है आवेदन, चयन, परीक्षा, साक्षात्कार और विज्ञापन। पहला शब्द है दोस्तों आवेदन, दूसरा है चयन, तीसरा है परीक्षा, चौथा साक्षात्कार, और पांचवा है दोस्तों विज्ञापन। चार ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी 5 1 3 4 2, ऑप्शन सी 5 3 1 4 2, और ऑप्शन डी है 4 5 1 2 3। आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा, यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसका सही क्रम देखते हैं। सबसे पहले विज्ञापन, पांचवा क्रमांक विज्ञापन, उसके बाद आना चाहिए आवेदन, फिर परीक्षा, फिर साक्षात्कार और फिर चयन। अर्थात दोस्तों सबसे पहले किसी भी पद के लिए विज्ञापन निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? विज्ञापन। विज्ञापन के बाद आवेदन दिया जाता है, आवेदन के बाद परीक्षा होती है दोस्तों, परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार में सफल होने के बाद परीक्षार्थी का चयन होता है। तो इसका सही क्रम क्या होना चाहिए दोस्तों? विज्ञापन, आवेदन, परीक्षा, साक्षात्कार और चयन, 5 1 3 4 2। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन कहाँ पर है 5 1 3 4 2, तो ऑप्शन है बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला शब्द है अध्याय, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य, चौथा पुस्तक और पांचवा अनुच्छेद। अध्याय, शब्द, वाक्य, पुस्तक और अनुच्छेद। ऑप्शन चार हैं दोस्तों, ऑप्शन ए 3 2 1 4 5, ऑप्शन बी 2 3 5 1 4, ऑप्शन सी 2 4 3 1 5, और ऑप्शन डी है दोस्तों 2 3 1 5 4। तो चलिए दोस्तों इसका सही क्रम क्या होना चाहिए आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही क्रम देखते हैं। पहले आएगा शब्द, फिर वाक्य, फिर तीसरा अनुच्छेद, फिर अध्याय, और उसी क्रम में आएगा पुस्तक, अर्थात 2 3 5 1 4। दोस्तों शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, बहुत सारे वाक्यों से अनुच्छेद बनता है। अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ दोस्तों। अनुच्छेद के बाद एक अध्याय का निर्माण होता है दोस्तों, और बहुत सारे अध्यायों से मिलकर के एक पुस्तक का निर्माण होता है। तो इसका सही क्रम क्या होना चाहिए? शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय और पुस्तक। तो 2 3 5 1 4 इसका सही क्रम होना चाहिए, 2 3 5 1 4, अर्थात ऑप्शन बी 2 3 5 1 4। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। एक बार और सुनेंगे दोस्तों। पहला है प्रस्तुति, दूसरा है सिफारिश, तीसरा है आगमन, चौथा है चर्चा और पांचवा है परिचय। यह प्रश्न भी बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए
5 3 4 2 ऑप्शन बी, 3 5 4 2 1 ऑप्शन सी, 5 3 1 2 4 ऑप्शन डी, 3 5 1 4 2। इसका सही क्रम क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा। सही क्रम होना चाहिए आगमन, परिचय, प्रस्तुति, चर्चा और सिफारिश। अर्थात पहले तीसरा आगमन, फिर पांचवा शब्द आएगा परिचय, फिर पहला शब्द आएगा प्रस्तुति, फिर चौथा शब्द आएगा चर्चा और दूसरा आएगा सिफारिश। सबसे पहले दोस्तों, पहले किसी का आगमन होता है, आगमन होने के बाद आगंतुक का जिसके यहाँ पहुँचा हुआ है उनसे परिचय होता है दोस्तों, परिचय के बाद प्रस्तुति की किस पर्पस वो पहुँचा है, फिर उस सब्जेक्ट पर चर्चा होती है दोस्तों, और अंत में फिर उस कार्य को संपन्न कराने के लिए सिफारिश का प्रयोग किया जाता है। तो यह है इसका सही क्रम, आगमन, परिचय, प्रस्तुति, चर्चा और सिफारिश, 3 5 1 4 2। तो देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है, 3 5 1 4 2 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवा। यहाँ चार ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 5 4 2 3 1, ऑप्शन बी 1 2 4 3 5, ऑप्शन सी 2 3 5 4 1, ऑप्शन डी 1 3 2 5 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही क्रम होगा दोस्तों भ्रूण, भ्रूण के बाद आएगा शिशु, फिर बच्चा, फिर युवा और प्रौढ़। सबसे पहले भ्रूण का निर्माण होता है, फिर शिशु, फिर बच्चा, फिर युवा और अंत में आता है प्रौढ़। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 1 3 2 5 4। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन डी 1 3 2 5 4, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छाती, ललाट, पेट, कान, पैर और ठोड़ी। 6 शब्द दिया हुआ है दोस्तों, छाती, ललाट, पेट, कान, पैर और ठोड़ी। आपको इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आना चाहिए दोस्तों ललाट, मस्तक, माथा, ललाट, फिर आएगा कान, उसके नीचे ठोड़ी, उसके नीचे ठोड़ी, दाढ़ी का हिस्सा, फिर आता है दोस्तों छाती, उसके नीचे आएगा दोस्तों पेट, और फिर आएगा पैर। तो ये इसका सही क्रम होना चाहिए, ऑप्शन 2 4 6 1 3 5। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन कौन सा है, 2 4 6 1 3 5, तो ऑप्शन है बी, ऑप्शन है दोस्तों बी इसका सही आंसर। समझ में आया दोस्तों, इसको ऊपर से नीचे के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप 5 शब्द दिया हुआ है, 5 शब्द में पहला शब्द है कभी नहीं, ऑप्शन बी, सॉरी प्रश्न दूसरा है कभी कभी, तीसरा है सामान्यतः, चौथा शब्द है यदा कदा, और 5वां शब्द है दोस्तों हमेशा। एक बार और सुनेंगे, 5 शब्द में पहला है कभी नहीं, दूसरा है कभी कभी, तीसरा है सामान्यतः, चौथा है यदा कदा और 5वां है हमेशा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 5 2 1 3 4, ऑप्शन बी 5 3 2 1 4, ऑप्शन सी 5 3 2 4 1 और ऑप्शन डी है दोस्तों 5 2 4 3 1। बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों, समझ गए होंगे, इसको भी आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आएगा दोस्तों हमेशा, 5वां शब्द है हमेशा, फिर आएगा उसके बाद दोस्तों सामान्यतः, फिर कभी कभी, फिर आएगा यदा कदा और उसके बाद कभी नहीं। तो इस तरह से इसका सही क्रम होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों ने भी यही सुना होगा, यही सोचा होगा। तो चलिए चलते हैं एक बार और इस प्रश्न के आंसर की ओर। हमेशा, सामान्यतः, कभी कभी, यदा कदा और कभी नहीं, अर्थात 5 3 2 4 1। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, 5 3 2 4 1 अर्थात ऑप्शन सी होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से यह अध्याय पर समाप्त होता है। निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, जो एग्जाम्पल्स आपके सामने लाए गए, यह सारे एग्जाम्पल्स परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कई बार इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है, दिया जा चुका है। यह अध्याय बहुत छोटा था दोस्तों, लेकिन इनमें से प्रश्न 100% परीक्षा में पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। यह अध्याय छोटा होने के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी था, तो निश्चित रूप से अध्याय आप सबको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपको प्रत्येक वीडियोस जो अपडेट्स आपको मिलता रहे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।